हेलो फ्रेंड, यदि आप भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो आपको भी यह प्रॉब्लम जरूरी हुआ होगा कि आपको जो टॉपिक नहीं मिलता होगा कि अभी जो है कौन टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। क्योंकि दोस्तों, जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपके माइंड में कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं, कुछ ऐसे कॉन्टेंट रहते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसके बारे में जो मुझे वीडियोज़ को बनानी है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन के बाद जब वह सभी वीडियोज़ आप बना देते हैं तो आपके माइंड से और भी जो आइडियाज़ है, जो टॉपिक है, वह नहीं आने लगता है और आपको समझ में नहीं आने लगता है कि अब जो है किस टॉपिक पे वीडियोस बनाया जाए, कौन से वीडियोस बनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि आपको अपने कंटेंट के लिए कहां से वीडियोस का आइडियाज लाना है और अपने वीडियोस को कैसे बनाने हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए तो जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट ऐसी जानकारी एंड यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे कि YouTube पे दोस्तों बहुत से कैटेगरीज पे लोग वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं बनाता हूँ YouTube से रिलेटेड, कोई बनाता है ब्लॉग, कोई बनाता है कुकिंग, कोई बताता है एजुकेशनल के बारे में, कोई अलग अलग चीजेस पे वीडियोस बनाते हैं। यानी कि सबका जो YouTube पे कंटेंट है वह सबका अलग अलग है। तो दोस्तों, सबको अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आप अपने कैटेगरीज के लिए वीडियोस कहां से ला सकते हैं, आइडियाज कहां से लाके अपने वीडियोस को जो है बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं बनाता हूँ YouTube से रिलेटेड वीडियोस को, YouTube के बारे में जानकारी देता हूँ, YouTube क्या चीज है, कैसे आप YouTube पे कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि YouTube पे वीडियोस अपलोड करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, YouTube पे बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं और सबका वीडियोस अपलोडिंग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। खास करके जो टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो उसके पास जो है दोस्तों कॉन्टेंट का कमी नहीं होता है। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियोस एक बनाता हूँ कि चैनल कैसे बनाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया वीडियोस की चैनल कैसे बनाए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं और एक वीडियोस बना सकता हूँ कि बैनर कैसे बनाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पे बैनर भी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, मैं ये वीडियोस बना सकता हूँ, अबाउट कैसे लिखे, टैग कैसे लगाए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, थंबनेल कैसे बनाए, वीडियोस को एडिट कैसे करें, वीडियोस के लिए अच्छा टैग कैसे लगाए, वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत ही कंटेंट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपने कंटेंट को कैसे खोज सकते हैं। तो फ्रेंड, आपका जो भी कैटेगरीज है, मैं जानता हूं कि सब लोग अलग अलग कैटेगरीज पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी कैटेगरीज है कोई मतलब नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो अधिकतर लोग है दोस्तों, वह क्या करते हैं, बड़े बड़े टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे दोस्तों, मैं YouTube के बारे में यदि कोई बताता है तो वह क्या बताता है, थंबनेल कैसे बनाए, टैग कैसे लगाए, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाए, वीडियोस अपलोड कैसे करें, बड़े बड़ी चीज बताते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं क्या करता हूं दोस्तों, यह चीज मैं देखता हूं कि कौन कौन से ऐसी वीडियोज है जो लोग कम बनाते हैं, यानी कि ज्यादा उसका कंपटीशन नहीं है, जो कम वीडियोज बनाते हैं। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियोज बनाता हूँ कि इंड स्क्रीन कैसे लगाए, ये ज्यादा लोग नहीं बताते हैं कि इंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, ज्यादा लोग नहीं बताएगा आपको आई बटन कैसे लगाएंगे, ठीक है, या कोई भी नहीं बताएगा आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, ज्यादा लोग या कोई भी चीज नहीं बताता है। फिर सिर्फ यही बताएगा वीडियोस को व्यूज कैसे लाएं, सब्सक्राइबर कैसे बनाएं, वीडियोस को वायरल कैसे करें, 15 दिन में चैनल को मोनेटाइजेशन कैसे करें, यानी कि लंबे लंबे चीज बताते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पे क्या करता हूं, हर एक छोटे से छोटे बात को कवर करता हूं, जो छोटे से छोटे चीज होते हैं उसके बारे में वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसको कि छोटे छोटे बात के बारे में भी जानकारी नहीं रहता है, छोटे छोटे सेटिंग्स के बारे में भी जानकारी नहीं रहता है कि वह कहां से क्या चीज कर सकता है। तो इसी तरह आपका जो भी कैटेगरीज है, कोई सा भी कैटेगरीज है, तो आपको अपने कैटेगरीज के हिसाब से वह छोटी छोटी पॉइंट को आपको पकड़ना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पे लोग वीडियोज नहीं बनाते हैं, या फिर बनाते भी हैं तो बहुत कम वीडियोज बनाते हैं। तो वह जो पॉइंट है दोस्तों, उस पॉइंट को आपको कवर करना है, उस पॉइंट के बारे में आपको वीडियोज बनाना। यदि आप बड़े बड़े टॉपिक पे वीडियोज बनाएंगे तो उस पर ऑलरेडी वीडियोज बना हुआ है, और जो आपसे बड़े यूट्यूबर है जिसका सब्सक्राइबर बड़ा है, उसका व्यूज ज्यादा आएगा और उसका वीडियोस देखेगा, आपका वीडियोस क्यों देखेगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना क्या है, जिस पे लोग कम वीडियोस बना रहे हैं उस पे आपको वीडियोस बनाना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों, आपका वीडियोस भी कोई देखेंगे, है ना। तो बड़े बड़े जो वह तो देख ही रहे, बट दोस्तों, ये जो छोटे छोटे बातें होते हैं, छोटे छोटे सेटिंग्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई सा भी ऐसा वीडियोस हो जो आपका वीडियोस रैंक कर जाए। यहाँ से जरूरी आपको आइडियाज होना चाहिए
चाहिए, तो दोस्तों आपको यह चीज जरूरी करना चाहिए। मैं भी यह चीज ट्राई करते रहता हूँ, ठीक है। तो मैं जो ट्राई करता हूँ वही चीज मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं कब किसका वीडियो वायरल हो जाएगा या कोई नहीं बता सकता है। यदि दोस्तों सबका वीडियो वायरल होता, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल पे हर एक वीडियो वायरल नहीं होता है। किसी वीडियो में 10 लाख व्यूज है, किसी में 5 है, किसी में 20,000 है, किसी में 1 लाख व्यूज है, तो क्यों दोस्तों उसका हर एक वीडियो वायरल क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों ये कोई भी नहीं बता सकता है कि आपका हर एक वीडियो कैसे वायरल होगा, बट आपको दोस्तों अपने थोड़ा सा माइंड लगा के काम करना है। तो दोस्तों आप जरूर से ये चीज एक बार ट्राई करके देखिएगा, और यदि आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ भी कंफ्यूजन आता है, तो जरूर से हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां से रिप्लाई कर दूंगा और आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज जानकारी लेके। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।